जम्मू डीएनएक्स देखो यमल्ला जय जोहार, जय जोहार मनीष जी, मोर तरफ से जय जोहार। और आज हम एक चर्चा कर दो कोरोना के ऊपर। वाह बिल्कुल सही बात है मनीष। बहुत सारा ऐसे खबर आए हैं जो लोगन के थोड़ा से व्यू बन नहीं पाते कि का हो ही आगे क्वेश्चन हम के जिसे 17 तारीख के बाद वाला बात हुई। हाँ कार की 17 तारीख के लॉकडाउन नंबर 3 है के बेरा पूरे के बिल्कुल। तो लोगन ला ये जरा गलत फहमी हुआ थे कि 17 तारीख के बाद वहाँ सब खुल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुई। जिसे प्रधानमंत्री जी पहले ही एक सूचित करते हैं प्राइमरी तौर पे भाई 17 तारीख के बाद जो है का चीज़ को ही छूट मिलेगी। हालांकि हाँ ज़्यादातर उक्रमण के जो इंडिकेशन रही से वह छूट मिले की तरफ रही से। हाँ वो पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना के साथ ही जीना है हमें। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। तो 17 तारीख के बाद यही उम्मीद है, लेकिन कई ठो रिपोर्ट ऐसे आए हैं जिसमें अलग अलग तरह के बात हुई थी। अच्छा कैसे ढंग के जिसे एक रिपोर्ट आया है कि यहाँ जो मरीज है वो बहुत कम, मतलब 0.37 के आसपास, मतलब जो हमारे वेंटिलेटर में है हमारे देश में। हमारे तो ये खबर बने भाई, ये खबर बने हैं, मतलब 0.3% लोग अगर वेंटिलेटर में है तो बहुत अच्छा बात है। तो कह मतलब मैं तो समझता था कि जे जिनकर मन के तबीयत सुधरत है तिनकर मन के प्रतिशत बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल। और ये खबर हम अपन दर्शक लगे बता देते हैं। हाँ पहली जो रही से 9% मरीज जो रही है वो मन है ICU में रही। अच्छा। और अब जो कर संख्या है घट के लगभग 5% आ गई। वो बहुत अच्छा खबर है भाई, हमारे घोया मन के लिए तो बहुत अच्छा खबर है। हुआ ये खबर के बाद ऐसे लगा था कि यहाँ कम से कम ऊपर वाले के दया से ज़्यादा मौत की जो बात है वो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी खबर आते कि सितंबर में डेथ टोल बढ़ी। हाँ मैं वही वो संबंध में आपसे जाना। हाँ का है यही एक ठन संशु मन में जरूर जमे है कि कोरोना के जिन चरम सीमा हो ही मनीष भारत में वाला यहाँ के डॉक्टर मन और जैन मन आंकड़ा में जैन मन शोध करें हैं उनखर मन के कहना है कि यह सितंबर में अपन सबसे ज़्यादा चरम स्थिति में रही है, पीक पॉइंट में रही। और भारत के लगभग 60% हिस्सा जैन आबादी है हमारे देश के वो हर कोरोना ले संक्रमित हो जाएगी। तो ये चेतावनी उनखर मन पर है मनीष जी, जो मन ये कहा थे कि 17 तारीख के लॉकडाउन खुल जाए तो पिकनिक चल देवो, सिनेमा चल देवो, घूमेल चल देवो, ओखर में बैठेल चल देवो। तो उनखर लिए बड़ा चेतावनी वाले बात है यार कि सतर्क रहना है, सावचेत रहना है, सतर्क रहे के बात ही है। अच्छा जैसे 17 तारीख के बाद का हो ही ये कहा थी जिसे सब जानना चाहते तो ओखर एक झलक भी हमला मिल चुके हैं। अभी जतका भी मैं दर्शक मतलब बताना चाहता हूँ कि जतका भी वीडियो आते हैं अभी जो मजदूर मन जो यहाँ आते, श्रमिक मन जो यहाँ आते, कामगार मन जो आते, सही कहा ओखर मन के जो वीडियो फोटो आते आप भी देखे हो कई तो अखबार में, वो फोटो ल हमन सब लोग जरूर देखना चाहिए। हमन अपन प्रोग्राम में वो फोटो जरूर दिखाओ, वीडियो वीडियो जरूर दिखाओ ताकि उनसे लोग सचेत हो, सचेत रहें। और एक बात और है मुनीष जी, अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है ओकर जो मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, उनका कहना ये है कि कोरोना ना जल्दी जवैया वायरस हुए। और अब कम से कम जब तक एकर टीका है, वैक्सीन है या दवाई के इजाद नहीं हो जाए तब तक हम लोग ओखरे संग जीएल लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन आदत व्यवहार ला पूरा कोरोना संग हम लोग ओखरे संग तालमेल बिठाल पड़ी। और जैसन जैसन गाइडलाइन सरकार के तरफ से जारी हुआ थे, मेडिकल टीम के तरफ से जारी हुआ थे, तेकर हम लोग पालन करना चाहिए। अरे काय भाई हाथे भर लग धोना है, मुहूल बात कर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो ठन काम ना नहीं कर सकता लोगन,
और वैसे भी कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात, चाहे विश्व में कहीं भी देखो। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं उनका जो अंश तो वैसे ही कोरोना के रही और लंबा समय तक रही। ये हमला सावधानी के साथ रहन पड़ी सभी जन। हाँ हाँ हाँ, मुँह में कपड़ा बांध के। हाँ, अब मुँह में कपड़ा वाली बात जो है। हाँ, या मास्क जो है ऊपर पहली के बात में याद करो आप। एक तरफ जब पहली मुँह में कपड़ा बांध के जाए मन लग पुलिस वाले मन घर पर रोक ले हुए, और अभी जेल नहीं बांध है, तेला छेक लेते हैं, तेला छेक लेते हैं। देखो कितना बदल गया समय। हाँ, समय इसने बदलते मनुष्य, और जब समय बदलते तो हम लोग वो समय साथ कदम ताल करके रहना चाहिए। अच्छा ओला हमेशा लगाए से एक बात और बताना चाहता हूँ। हमेशा जिसे हम लगाते हैं तो मोर ख्याल से एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल है। मुश्किल होगा थे पूरा आधा तो आपके ढके रहते हैं मास्क में। हाँ हाँ, तो ये हाल है। हाँ मनीष, अभी जिसान मन बातें करत रहे कि मरीज मन के तादाद कमती हुआ थे, तबीयत ठीक होते तेमन सुधरत जाते हैं, और फिर सितंबर में ही अपन चरम सीमा पहुँच जाएगी। तो हमार रायपुर से और छत्तीसगढ़ की खबर है कि 9 जन पॉजिटिव कोरोना संक्रमित और मिल गए हैं महासमुंद के। तो ये संशोभ बात नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब बाहर से जितना भी आते हैं। हाँ, अपन छत्तीसगढ़ में तो जैसे भी हो सरकार अपन हिसाब से जो करके एक कंट्रोल करके रखे। हाँ, जिससे कि आंकड़ा बता सकते। अब जो बाहर से आते हैं वही दिक्कत पैदा कर रहे और ओखर मन से सचेत रहे के लिए सरकार लगी जो उन तरह से भीड़ भाड़ हम देखा था, जो वीडियो के हम चर्चा भी करा था। हाँ, वीडियो हम जरूर देखा हुआ। हाँ, वो वीडियो टाटीबंद के हैं। अच्छा, और वहाँ भीड़ किस तरह से मतलब भीड़ आते हैं वहाँ। वीडियो में दिखत घलो है कि पुलिस वाले मन संयम खड़े हैं, तो उमन मन कोई रोकथाम के उपाय करत नहीं। बिल्कुल भैया, ये बहुत बहुत बढ़िया बात बोले हो आप। अभी तक हाँ कोई भी प्रशासन के व्यक्ति हाँ यहाँ संक्रमित नहीं हुआ, लेकिन वो वीडियो देखे के बाद ये इतना सोचे पड़ जाए। हाँ, ये तो बहुत चिंतक बात हो जाएगी भाई, करके जिसे अपन मध्य प्रदेश में सुना था और दूसर जगह से भी जिन खबर आते कि डॉक्टर मन संक्रमित हुआ है, जिला प्रशासन के मंथमन है, पुलिस के अधिकारी मन संक्रमित होते हैं, तो कम से कम छत्तीसगढ़ तो एक बाँचे तो बाँच के रहे ना भाई। हाँ, ओखर लिए भी मतलब ये है कि जो उन तरह से पीपीई किट हाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मन लगे। हाँ, तो सरकार ने चाहिए कि वो पीपीई किट जो है वो ऐसा जगह में पुलिस वाले मन लग ही दे। हाँ, ताकि वो मन भी ओखर चीज ओखर संक्रमण से बचे रहे। तो मोर एक ठन ये कहना है मनीष जी कि जिसन आप पीपीटी के चर्चल करत हस, तो हमार देखिए मान लो एक घाव वो पीपीटी किट का रही थे ओखरो एक ठन झलक दिखा देते हो। बिल्कुल, हम दिखा देना आपने। हाँ,
जैसे आप देखे हो ये पीपी गिटलक वो मैं पूरा सर से लेके पैर तक पूरा ढके हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ओला पहनने के बाद कोरोना से बचाव हो सकते हो। हाँ। और सैनिटाइज भी किए जा सकते हो ऊपर से। अच्छा। ताकि आपके साथ आपके शरीर में कोई यदि केमिकल से कड़क रही है तो वो शरीर में पड़ना नहीं है। हाँ। काबर की वो एक तरह से दूसरा शब्दों में यदि मैं कहूँ तो वो एक रेनकोट के जैसे है। अच्छा, बरसाती जेल की खाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेनकोट के जैसे है वो, ओकर ऊपर से भी यदि सैनिटाइज हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पीपीई किट। अच्छा, एक संबंध में एक और बढ़िया बात यह है कि वो सारा पीपीई किट जो है वो हमारे देश में बना थे। अच्छा, मतलब पहले बाहर ले मंगाते हैं। दो ढाई लाख पर, जैसे दो से ढाई लाख कुछ है। हाँ हाँ, पर डे। हाँ। पर निर्माण। वाह, तो देखो ये जब संकट आते मनीष जी तो कौन ढंग से वो अपन संग में मौका लेके आते, आदमी ल आत्मनिर्भर बनाए के कैसन कैसन मौका मिल जाते। तो ये जो मौका मिले है उसका उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम का अपन तरफ से सावधानी बरतन, हमार घर परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहन, हमार अड़ोसी पड़ोसी मन सुरक्षित रहन। जब हम अटका कर लें तब हम मोहल्लक बारे में सोचें भाई कि मोहल्लम जागरूकता रहे, एक जगह जुगियात मत बैठाएँ। और बैठत हैं तो फिर वो जैन हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस बना के रखो, बहुत जरूरी। जैसे हमन मन ऐसे दूरिया दूरिया बैठे हैं तो आपका दूरिया तो हम कभी नहीं बैठक रहे। नहीं नहीं बैठक। तब ये मौका पड़े है तो ऐसे बैठे लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सब देखो ये मान ले हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि 17 तारीख के बाद भलो पूरा सावचेती रखना है। कोनो किस्म से आज जैन हम गुजरत हन उमर ढिलाई नहीं झन बरतन। बिल्कुल, ढिलाई बरतना ही नहीं। और जहाँ ढिलाई बरतें तहन पूरा सरकार के करे धरे और हमार खुद के करे धरे सब वो सब बर्बाद बर्बाद हो जाए। वो अभी जब का अपन पिछले दिन में जब का भी 3 लॉकडाउन हुए, चौथा लॉकडाउन आने वाला हो, जिन अलग तरह के जो 3 लॉकडाउन हो है उसमें जब का हम सावधानी बरते हैं ओखर ले कहीं ज़्यादा सावधानी अब हमला बरतना है। अब बरतना काबर कि पहली तो हम अपन घर में रहें। हाँ। अब जो है अब हम मार्केट में जाए, मार्केट में जाओ, सरकार भी है देख के सब चीज़। हाँ, सरकारी ऑफिस उफिस खुले लग गए, ऑफिस खुल गए, दुकान के अपनी टाइम बढ़ा दे। हाँ हाँ, हाँ तो अब आज खबर है। हाँ, आज खबर है कि वो 3 बजे टाइम लाओ 5 बजे तक कर देंगे। तो सहूलियत तो सब देती है हमारे प्रदेश की सरकार। हाँ, लेकिन ओकर सही उपयोग हमला करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमला अपन संग संग सरकार के सहयोग भलो करना है। बिल्कुल, सरकार के सहयोग सबके सहयोग हो। हाँ, हम यदि बंद जान थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, और अटका तो बंधे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यदि घर में रहें तो जेठ निकले हैं तो बैसाख लगे हैं और बैसाख के काम है तो बड़ा भारी भी थे तो बड़े बात है ना घर में रहें भाई। तो ये हमारे आज के कोरोना के बारे में चर्चा रही से और एक संबंध में सावधानी बरते कि हमारे आप सबसे अनुभव है, आप सावधानी बरतो, आसपास वाले मन के लिए भी सुरक्षित रखो, खुद भी सुरक्षित रहो और राज्य के आर्थिक विकास के लिए जो हम दुकान वगैरह खोले गए उनमें अपन सहयोग जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लॉकडाउन के पालन करके मास्क लगाओ और जो भी आप सुविधा मिले वो करके कम से कम हम सचेत रहना। तो चले जाए मनीष जी, जब वो देखो ये मल्ला DNX के हमारे दर्शक मल्ला जय जोहार। जय जोहार, एक अनुरोध हम करना चाहते हैं। अच्छा बताओ कि DNX TV जो है। हाँ। आप सब्सक्राइब करो और घंटा जरूर बजाना, जो कर बगल में घंटा सब्सक्राइब करते होकर बात बजाते ताकि हमारे कोई भी वीडियो जो आए वो आप तक पहुँच जाए।
और महू एक ठन निवेदन कर देता हूँ बिल्कुल, और हमार गौर बात आप लोग बने लगी सोही तो हम लोग सूचित कर जाओ भाई, बिल्कुल कमेंट कमेंट बॉक्स करके में सूचित करो, सूचित करो हम लोग, तो हम आपके और आप हमें अवच में सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। हाँ 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 हमारे वो दर्शक सब्जेक्ट हम में चर्चा लोग बताएं और रिसर्च करके निकालो, बिल्कुल कुछ जो भी नया बात हुई वो सब आप लोग बताओ। बिल्कुल, तो चले जाए मनीष जी, जय जोहार जय जोहार।